हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ दही चिकन। दही चिकन बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली ये रेसिपी है। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। ये मैंने चिकन लिया है 650 ग्राम, 1 कप दही लिया है, ज़ीरा है 1 टीस्पून, 5 लौंग, 3 हरी इलायची, 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 बड़े प्याज ली है 1 बड़ी और उसे बारीक चॉप किया हुआ है, 3 हरी मिर्च ली थी इसे बीच में से इस तरह से कट किया हुआ है, और कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती, ये मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है। ये चिली फ्लेक्स की जगह अगर आप चाहें तो चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सॉल्ट है, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये चिकन लिया है बाउल में, इसे हम मैरिनेट करेंगे। इसमें मैं जो दही लिया था मैंने, वो पूरा दही इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही कम मसालों में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है फ्रेंड्स। और साथ ही में इसमें जो मसाले लिए थे, ये हल्दी, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर जरूर डालें आप इसमें, इसका बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है, और सॉल्ट। इन सब को इसमें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा ये धनिया पत्ती भी डालेंगे, और उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के बाद हम 30 मिनट के लिए करीब रख देंगे इसे, और उसके बाद इसे हम बनाएंगे। इसे जब हम दही से अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। इसे 30 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ, उसके बाद इसे हम बनाना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। मैंने ये पैन लिया है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये मैंने 1/2 कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, लाइट पिंक करेंगे हम इसे बस। जब ये प्याज लाइट पिंक हो जाएगी तो इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हल्के से पिंक होने लगी है, इसमें हम ये मसाले दिए थे, जीरा, हरी इलायची और लौंग, इसे ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा पका लेंगे, मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है जिससे कि प्याज ब्राउन ना हो जाए, और साथ ही में इसमें ग्रीन चिलीज ली थी, हरी मिर्चें, उन्हें भी ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा पकाएंगे। ये देखिए अच्छे से पकने लगे। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट जो लिया था उसे भी ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था उसकी भी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो गई है, और मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। अभी इसमें जो ये चिली ली थी, कुटी हुई लाल मिर्च, उसे भी ऐड कर दिया साथ में। थोड़ा सा पकाएं इसे। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, ये जो मैरिनेटेड चिकन था उसे इसमें ऐड कर देंगे। इसे चला लें, थोड़ा फ्लेम को स्लो ही रखा है मैंने, क्योंकि दही है, दही
हाई फ्लेम पे अगर दही को डालेंगे तो ये एकदम से फट जाएगा। इस तरह से इसे मिक्स कर लें। जो बाकी का मसाला बाउल में है उसे भी इसमें ऐड करना। इसे अच्छे से मिक्स करें। इसे चलाते रहें। देखें फ्रेंड्स, ये अच्छे से पकने लगा है। अब इसमें जो दही और चिकन का पानी था वो भी रिलीज होगा। तो इसे अब मैं कवर कर देती हूँ। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसे कवर कर देती हूँ। और कवर करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक चिकन गल भी जाएगा और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। जब तक ये 10 से 15 मिनट तक पकता है उसके बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी डिशेस को ट्राई ज़रूर करें। आइए 10 से 15 मिनट बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ और आगे के इसमें जो भी मसाले ऐड करने हैं वो ऐड करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, चिकन को पकते हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं। अभी इसे मैं खोल के देखती हूँ। मैंने बीच में एक बार खोल के देखा था और थोड़ा चलाया था। देखिए ये अच्छे से पक गया है। जो चिकन का और दही का जो पानी था उसी में ही ये कुक हुआ है, मैंने कोई भी पानी नहीं डाला था। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसकी फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लें। चिकन भी टेंडर हो चुका है, अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इस टाइम पे आप इसका सॉल्ट भी टेस्ट कर लें, अगर कम होता है तो आप इसमें ऐड कर दें। हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे। जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें पानी वगैरह ऐड करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से भून लिया है। ये एकदम ड्राई हो गया है और इसमें देखें आप ऑयल ऊपर आ गया है। अगर आपको ये इसी तरह से पसंद है तो आप ऐसे ही सर्व करें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ग्रेवी के लिए। मैं ग्रेवी का थोड़ा सा बनाऊंगी इसमें। बस बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ग्रेवी के लिए। आपको अगर ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें पानी ऐड कर दें थोड़ा। ऐसे इसमें 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से मैं पका लूंगी। थोड़ा सा कोरिएंडर ऊपर से डाल देंगे इसमें और फ्लेम को स्लो करके इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए बस। उसके बाद मैं आपको इसे डिश में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तैयार है तही चिकन। आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसे लगा। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंजॉय करें डिश को। थैंक यू।